कितना अभागिन भाई। जब धनी माँ हमारे पास हो भाई तो हम उकरा प्यार ना कराई। जब वो आज हमरा से दूर हो ले तो उकरा देखे के मन करते, गला लगा के उकरा प्यार करे के मन करते। पता न धनी माँ कैसन होते, कहाँ होते हो। भगवान हमर धनी माँ के रक्षा करिया तू। बसंतवा कुछ बतल को की ना दीदी, बसंत तो कुछ ना बतैली, लेकिन हम बसंत के डेरा धमका के आई है। कल तक कुछ ना कुछ जरूर बता देते। मंजरी तू भी तो कितना परेशान ही ना धनी माँ लगी, तू तो कानों भी ठीक से ना खा रही है। खाना कैसे खा ली दीदी, हमरो तो बेटी है धनी माँ, काहे ओकरा पे हमरा हक ना है। ना मंजरी, धनी माँ पर तोरो हक हो, वो तो तोर बेटी है ही हो ना। सुनना, हम जाके खाना बना भाई हो, तो आके खाना खा लिए। ठीक ठीक है, तू जो हम आई थी। प्रणाम मुखिया जी, हम अभी एसपी साहब से मिलकर आ रही हूँ। जो गायब करके है ना ओपरे भी ना छोड़ देते। मुखिया जी हमरा खाली तोरे पे भरोसा हो। अब केकरो पे भरोसा नहीं, नहीं हमारी बेटी कैसे होती, कौन हाल में होते। चिंता मत कर धनिया, बहुत जल्दी तोरा घर आ जाता। ठीक, हम जाइए। कब तक चलते, चल चल के कुछ खाना खा ले। ना दीदी हमारा भूख ना आई, पता ना धनिया खाना खेले होते कि ना, उसे बोकरा कुछ खाना देले होते कि ना देले होते। मंजरी भगवान ओकरा ठीक से रखते, ऐसे भी हमारे दिल कह रहा है कि कल्ले भोरे तक धनिया चले तो। काश ऐसे ही हो गए दीदी कि धनी माँ कल तक घर चला। चल आई थे मंजरी, चल तो खाना खा ले। ना दीदी हमरा भूख नहीं है, जो तू खा ले। तू ना खाते ही तो हम खा ले भाई, तू तो कर मौसी हो के इतना परेशान। और सोच हम तो धनी माँ के मैया है ले। तो चल साथ में ऐसा कितना दिन चलते ही? चला कुछ खा ला चल के। हमारा भूख नहीं है, भूख खाना। अरे तुरा ना खाए से का धनी माँ आ जाता है। चला कुछ खा ला। भूख है ना? हमारा भूख कहाँ है? वो मंजरिया ना धनी माँ के चलते खाना ना खाई तेले। तो उकरा जबरदस्ती के ले ली टोकरे में।
तनी मनी खा ले, चला ना तो कुछ खा लाना। जी मंजरिया के बदल स्वभाव देख करके हम बहुत शर्मिंदा है। अनिमा के निकाले ले कितना तोरा उपेक्षा है, अब आज ओखने लगी परेशानी है, खाना नहीं खेते हैं। दादी सही है कर लो, मुझे दिल के बहुत अच्छा, देख लो ना धनीमा लगी बस अथवा के थप्पड़ मार दे गई, ओकरे खड़े जा के धमकी दे के चले ले। हाँ जी भाभी लगी इतना कुछ कर गई, हम जो कितो को कर गई सही ना, हम चल भी ओकरा पास ओकर कहा भी ज्यादा परेशान नहीं मिल लेते जमीन। हाँ जी ओकरो तो नहीं अच्छा लगते हम अनुभव देते। हाँ चला धनीमा के फोटो देख के ओकरा याद कर रही है। हाँ दीदी धनीमा के बहुत ही याद आई थी, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धनीमा जल्द से जल्द घरे आ जाए। जी धनीमा लेकिन कितनी चिंता कर रहे हैं कि वो हम ही है जिसका बार बार इल्जाम लगा भाई है, हमरा माफ कर दिए। अरे जीजा तू ऐसे काहे बोलते हैं, आखिर गलती तो इंसाने से ना हो भाई, ऐसे भी सब पहले हमरा गलती समझे है, लेकिन हम ऐसे यो ना तेरी वाले इजाजत चिंता मत कर, तो बहुत जल्दी आ जाते, तू अभी आराम से सुन जा। हाँ जीजा लेकिन क्या बोलियो, सोए के तो कोशिश करती ही लेकिन नींद ना आई थी धनीमा की याद में। जीजा दीदी कल हम लोग मंदिर में चल के धनीमा लगी पूजा कर भी ओकर सलामती के लिए। हाँ जी एकदम सही कर रहे हो, हमने सबके ना मिलके मंदिर चले के धनीमा के सलामती के पूजा करेला, ठीक ना। हाँ जी बगले में एगो मंदिर है जिसके मैं जो मंगवा हूँ ना तू काम करे, तू अभी सुत जा है कि सवेरे चले के हो तो चला जी। हाँ सुत जा। Thank you.
मंत्री क्या मंत्री ये मंत्री ए मंत्री उठ पानी का भी आ रहा मंत्री ये मंत्री मंत्री उठ ना उठ 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 बेहोश काहे हो गए नी लगते कमजोरी के कारण चक्कर आ गए नी अरे कुछ नहीं जी उसकी चादर से घुमाने के लिए है जैसे चक्कर के गिर गए आराम करते ना चल चल अब तो धनीमा के घरे अभी हम आराम कर सकती देख मंत्री धनीमा की चिंता मत कर कहीं ओकर चिंता में तू अपन तबीयत ना खराब कर ए जी धनीमा उठा के दा बार बार बोले कि खाना पीना अपना समय पे खा लिया कर बाकी ना हमने के कहो छी हमने तो कम खाना खाकर भी अपन कम करते ही रहे अरे दीदी वो तो खाली धनीवा के लेके दिमाग में चिंता है यही से भूख ना लग रही है खाली दिमाग में वो धनीवा के बेचैनी चलते है यही से ना भूख लगते है तो हम का करी हाँ तो ऐसे ही भूखे मरते रहिए अपना तबीयत खराब कर ले एगो तो धनीमा नहीं मिल रहे ओपरे से तोरो तबीयत खराब हो जतो ता ए जी हम आवा जो दवाई लेकर ए जी जा छोड़ दे दवाई दवाई हम बाद में खा ले भी है अभी हमरा मन ना करते जब मन होते तो हम दवाई खा ले भी जाने दीदी तू भी लोग आराम करे जाके हां जी मन जा ठीक कर ले हम आवा यो मुखिया से मिलकर ठीक है कुछ जाओ में कमाल के औरत तो सब को पानी पिला दे जनतिया रदिया के देखें तो प्रणाम नेताजी हमरा सबके काम हलै हमें सब बोल रहल कि नेताजी तोरा खोज रहल है ये कोचे सुन रहलिए रे गाँव में हल्ला पहले बोल रहा नहीं है कि धनिया के हमें अफसर के लिए रे है ना नेताजी हम ऐसा क्यों ना बोले लियो भला हम ऐसा काहे ला करबो सब सब गलत बात है को है ना वो गणेशिया मंजरी झूठ बोल रहा है हैं तोरे दिया तो बोल रहा लो कि गोवा में सबके तुम ही काहे बोल रही बोले ना नेताजी सब गलत बात है कोई सब हमरा झूठ मुंह में बदनाम करे के चक्कर में आको है जमगवा ठंडा कर कर तो गलिया लाल कर समझ गए नहीं होश में तुझे सुन ला ना नेताजी सब गलत सुन ला कुछ ना करो बोल लियो ठीक चल नारद मुनि बने आए के रोजी में चलना बसंत हाँ मन अरे हरिया हाल गंगा में सबके बोलने बोल रहे हैं कि हमें धनिया का प्रण कीजिए डांट रही है लाभ
प्रणाम गणेश भैया, कहाँ जा रहा है? अरे मुखिया जी कहाँ जा रही हूँ, एस पी साहब दरोगा जी उजे आए थे, उनका से बात कर लेंगे। है गणेश भैया, सुन लिए कि बुधना का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, जा ही रहा है तो मुखिया जी से पूछूँ ना बुधना के बारे में। बात के लिए भी बुधना के बारे में दरोगा जी उनका खोज रहे थे, क्योंकि गाँव के एक आदमी बोल के ही हमारा तो पंजाब वाला ट्रेन में देख लिया, तो पंजाब चल गई हो गेबे के लिए तोरा बता के जाना ना चाहिए बुन्ना के कि हम कहीं जा रही। अरे एकदम पगला लड़का हूँ, तो तू चिंता मत कर, अपन गौवा के बहुत आदमी हुआ रहा है। हो सकता है तब तो पता चल ही जीता है। आज हमारा बसंत भैया रोका के पूरा कसकस के डांट रहा है। हाँ साला कह रहे हल यही रे हरिया, तू ही ना हल्ला कह लें गाँव में कि धनिया के किडनैप हम करवा लिए है, बताओ तो। अजय बस एक बार हमारा खाली पता चल जाए ना तब तू देख लिया, पर सब नेता के लिए झाड़ दिया हमारा चिंकी ना है ना काम कर, तो मैं घरे जाऊँ हो जा रही है ताकि मंजरिया की तबीयत खराब है। तो कमाल कर। अच्छा माने पसंद हमरो नाम मंजरी है बसंत बाबू, कब केकरा डसे ही कब केकरा काटा ही सामने वाला को पत्तो ना चला है। थपड़ बहुत ना कस का मार जाने कितना कस का लगा धीरे नहीं मार सकने। ओ, हम कोई काम अच्छे तरीका से करे, चाहे वो गाली दे वाला हो चाहे वो थप्पड़ मारे वाला। दीदी और जीजा के लिए हम पूरी तरह अपन कब्जा में कर लिए, तुम लोग के लगे है ये धनवा लगी हम मर जाते हैं, लेकिन उन लोग पते ना है ये सब हम नाटक करते हैं दोनों के जंगल में फंसा के धनिमा के आसानी होके घर से निकाले लेंगे। कमाल की तू एक्टिंग कर रही है, तो मुंबई में रह कर लो कन्ने, तो है ना देहात में चूल्हा फूक रहा है ये फूकते फूकते राजी माई सकल कुल उतर दी तो समझ ना यार सब होते ही बसंत बाबू यही बतावा धनिमा के की हाल है। धनिमा भागल जा रहे और अब भलवा पकड़ के फिर से रूम में बंद की एकदम अच्छा कर गई हो ना, तो हम दोनों को तो रोले खुल ही देंगे। ये तो हम लोग कहीं के ना रहेंगे, धनिमा इससे भी बहुत तेज है को ओकरा पे हमेशा नजर रखो पड़तो, ना तो कब फूर हो जाते पता भी ना चलते। बस दो तीन दिन हो पूरी तरह से दीदी और जीजा हमारा पे विश्वास करने लगे। तू जैसे बोल तू जैसे कर हम तेरा मान लेंगे मुझे सही मान लेंगे यार। मंजरी बसंता के घर में आखिर संता धर्म में कहा लगे हैं, वो भी अकेले जरूर कुछ दाल में काला, दोनों तो मिलल दोनों जान ना जाने कौची करे ना चाहिए। कहाँ धनिया तू अभी साथ में रहता है धनिया,
चुटकी बजा के पता कर लेते कि दोनों की करे ला चाहिए। चल खाना बना बे। मंजरी तू ठीक है ना? हाँ दीदी अब तो एकदम ठीक है, बस थोड़ा बहुत कमजोरी लगती है। सुन ना तू आज आराम कर ले, हम अकेले खाना बना ले ठीक? ना दीदी हम दोनों मिलके खाना बने भी ना तो ऐसे हमारा थोड़ा मन भी हल्का हो जाते हैं। ठीक हो मंजरी, धनीमा के बाबू आ गए थी इनका? ना अभी वो तो ना आई थी ना। पता ना आज भी धनीमा के बारे में कुछ पता चल रही कि ना। अब तो आई थी तभी पता चलते ही ना कि का हो ले। हाँ मंजरी अच्छा चल खाना बना बना। अच्छा अच्छा हमारा नाम मंजरी और बसंता के बारे में रमेशी भैया के बतावे पड़ते धनिया के मंदिर मिल के बात करते कि मंजरी बहुत चलाक औरत है, धनिया के सतावे ला भूत के भी नाटक करते हैं, अब थोड़ा गायबे करवा दे के हमारा तो इधर से बच के ही रहना पड़ते। धनीमा का कुछ पता चल रहा भैया? नहीं रे कहाँ कुछ पता चल रहा, पता नहीं कहाँ होते कौन हाल में होते कुछ पता नहीं चल रही है। एक बात बोलिए भैया, हम बात पर विश्वास कर माँ की बोल। हम ना मंजरी के बसंता के घरवा से निकलते देख लिए। थोड़ा भरम बोलो मंजरिया कहीं और से आ रही है, बसंतबा के तो मंजरिया दूध कपड़ा मरते पूरे गांव के सामने और वो कैसे मिलते नहीं भैया सच्चे कह लें हम अपन आँख से देख लिया मंजरी के बसंता घर बस निकलते। सुन घर तुम्हें धनिया लगे परेशान नहीं भैया, हम बात पर विश्वास करना तू हम अपन आँख से देख लिया था। ठीक है विश्वास करने के लिए चिल्ला सब लोग धनी वाले की परेशानी हुई है, धनी कैसन होते कहाँ होते कौन हाल में होते की खा होते कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ना कोई हमर काम में टांग लगावे ला आई ही जा रही। ये हड़िवा भी ना जो करते ही ना अच्छा ना करते हैं, ऐसे भी ना ये घर में हमरे हुकुम चलते हैं। दीदी और जीजा अब हमरे बात पे विश्वास कर दो। हेलो बसंत।
हाँ बोल। हाँ आज हम तोहर जब घर से निकलते हैं ना, अच्छा, तो हरिवा हमरा देख ले ले और जीजा के सब बात बता दे ले। अच्छा, लेकिन शुक्र हो के जीजा के कि जीजा ओकर बात पे विश्वास ना करती, ना तो सब बनल बनावल काम पर पानी फिर जीते हैं। अच्छा ठीक हो, तू चिंता मत कर, समझना है हरिया शाम तक सब भुला जीते। ठीक, यही अच्छा भी रहते, ना तो जिस दिन जीजा के दिमाग फिर जाते ना तो फिर अच्छा ना होते, काहे कि वो दीदी ना है। ठीक, अपन काम पर ध्यान दे। ठीक, हम फोन रखा ही। ठीक रख, जा ही सुते। मंजरी तो पूरा तरह से गणेशी भैया के अपन कब्जा में कर लेते। गणेशी भैया तो हम ओकर बातें सुने ले तैयार है, हम सब सच्चाई बता भी पड़ते हैं। करिए धनिया भी पास में नहीं है। धनिया तू कहाँ है, तो कितना जरूरत है ले, उतना भी नहीं है, हम अकेले भला की करिए। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखाओ।
ध्यान रखा है ना? हाँ मैडम। यानी कि तू और बसंत दोनों मिले नहीं? सही सोच रहे हैं तुम। तुरा की लग रहा कि हम कुछ ना कर सकी। मौसी तू ठीक ना कर रही है। ज्यादा टाटा मत कर, समझे ना? बोला गोलवा हाथ पाँव फुला दे, समझना ना पीछे के। वैसे भी धनिया तू जब भी जैसे चल भी ना कुछ सबके बताई नहीं तो कोई तोरा पे विश्वास ना कर दो। काहे की सबके ई लगे हम ना भूखी प्यासी बेचारी बन के घर में पड़ रही है। ओ तो ई बात को लेकिन तुम भूल रही हो मौसी, हम भी धनिया हके। अभी तो तू फिलहाल आराम कर। बोला दोबारा बाइक कैसे चटो ना तेरा गर्मा का फुला नहीं रखता इन पीछे। अरे गुप्ती मुझे ये बड़ी चालू चीज है तेरी। अगर भाग ली ना तो हवा गड़बा तोड़ के बैठा दो चले। अच्छा धनिया अब उठ चल रही हूँ। अच्छी बच्ची तू आराम से आराम कर जा बैठ के। सही से धनिया अब कन्हैया को ये हरे सुन ले तेरा भूत दिल को हां हां नेता जी सत्या का मैं करो भूत लो मैंने एक या कस के दबा लो मरल को भी वो तो हम कैसे कैसे हो रहा से खूब लड़के भूतवा को भगा दिलो हमरा लगन हरे तेरा मजली वाला भूतवा धर लो हो सका को नेता जी हम बेकार साधु वजा बना दिए अब हम की हो तो बच कर है बेटा तेरा भूतवा पटक पटक मारता हो नेता जी हमरा बड़ी डर लगा रातिया के तो घरे से चल चले हो पागल लगा लाके बुदबुद से हमरो डर लगा जो गणेश घर सुदगान गणेश जी या काम पति पर विश्वास है ना बाबा को उन लोग के लगा तो कि हम सच ना बोल रहे लोग सब के लगा कि हम झूठ बोल रहे लिए। अच्छा तू ही बताओ नेता जी कल मजरी तोरा से मिले गेलो हल्ला? ओहो अब समझ गेलियो तू भूत उत के चक्कर में तुम्हें हमरा है तो गणेश विश्वास कैसे करते हमरा तो लग रहा कि तो पगला ना बेटा एकदम तू भूत के चक्कर में तोरा दिखावे पड़ते अब डॉक्टर ही तो दिमाग वहाँ काम नहीं कर लो अभी एकदम देखा गन समझ ना सब कैसे लगा मंजी गलत बतिया गलत हो सका मगर भूतवा तो मैं घर में सच्चे में ना आई कहाँ चल गए छोड़ी मंजरी तू तो कहा से आ रही है हम सोच लियो कि तू तो अभी तक सोती आ रही है तो तबीयत ठीक हो ना मंजरी? ना दीदी पेट में बड़ी दर्द है यही से सोच ली तेरी बाहर घूम के आ गई अरे इससे तबीयत तो ठीक ना है। देख तू आज आराम कर ले हम खाना बना भाइयों तू खा लिए ठीक खाना उना ना खाए ना तो समय पे यही से तोरा चक्कर उकर आ जाओ। दीदी ऐसे जीजा जी कहाँ हती? अरे मुखिया जी के साथ गेल हती थाना में वो पुलिस साहब हती ना उनकर धनीमा के बारे में कुछ पता चल रहे है। दीदी काश हमारे धनिया घर जल्दी आ जाए। हाँ मंजरी पता ना धनीमा कैसन होते अभी
जो खेबो पीबो करो होते कि ना। हाँ दीदी, हमार धनी माँ जल्दी घरे आ जाए। हाँ मंजरी। पिछला बार भागे की कोशिश कर रहा हूँ, तो हथवा गोड़ तोड़ के धर दूंगा।